आप देख रहे हैं KSN 24, पल पल की खबर। नमस्कार, मैं हिमानी सिंह और आप देख रहे हैं KSN 24। KSN 24 की खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए अब नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। बालको के वार्ड क्रमांक 39 इंदिरा नगर में वाही विद्युतीकरण कार्य का हुआ भूमि पूजन। बालको के वार्ड क्रमांक 39 इंदिरा नगर में विद्युतीकरण हेतु भूमि पूजन का आयोजन रखा गया, जिसमें वार्ड क्रमांक 39 के विभिन्न स्थानों आजाद नगर, कैलाश नगर तथा इंदिरा नगर में वाही विद्युतीकरण का कार्य किया जाएगा, जिसकी लागत राशि लगभग 39 लाख बताई जा रही है। इस आयोजन की मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित हुए कोरबा जिले की महापौर श्रीमती रेणु अग्रवाल तथा विशिष्ट अतिथि के तौर पर पधारे कोरबा सभापति दुर्पाल सिंह कंवर, इसके अलावा कांग्रेस जिला महामंत्री वाह समाज सेवी विकास डालमिया, पार्षद दिनेश सोनी, स्थानीय पार्षद लुकेश्वर चौहान, पार्षद कृपा राम साहू, पार्षद व MIC सदस्य देवी दयाल सोनी, अध्यक्ष पंचराम आदित्य, सतनाम समाज के अध्यक्ष LD जोशी, महेंद्र थवाइत, ब्लॉक अध्यक्ष बालको FD मानिकपुरी, युवा पार्षद प्रत्याशी प्रभात डटसेना, बुधेश्वर चौहान तथा मीडिया प्रभारी पीयूष पांडे समेत भारी संख्या में वार्डवासी उपस्थित रहे। उद्बोधन की कड़ी में जहां पर महापौर अग्रवाल श्रीमती रेणु अग्रवाल जी ने उपस्थित सभा को संबोधित करते हुए कहा कि मैं सदा उनके लिए तत्पर रहूंगी, तो वहीं पर स्थानीय पार्षद लुकेश्वर चौहान ने वर्तमान विधायक व मंत्री जय सिंह अग्रवाल की तारीफ करते हुए कहा कि वार्ड क्रमांक 39 में किसी भी कार्य को कराने हेतु मंत्री जय सिंह अग्रवाल जी का अत्यंत सहयोग प्राप्त होता है। जैसे भी रहे लेकिन हमारे बीच में हमेशा आशीर्वाद बना के वे हमेशा आते रहे, उनका मार्गदर्शन हमारे बीच में हमेशा रहे ताकि हमारे वार्ड का और अच्छे से विकास हो। और जैसे भी आप लोगों ने इतना भरपूर सहयोग किया, आज के कार्यक्रम में इतना सहयोग किया, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत करता हूँ। साथ ही हमारी महापौर जी का तहे दिल से बहुत बहुत आभारी व्यक्त करता हूँ कि उनके मार्गदर्शन में और उनके कार्यकाल में हमारे वार्ड को काफ़ी विकास, काफ़ी ऊंचाइयाँ हुई हैं। और श्रीमान, आज के आयोजन में पधारे महापौर तथा आप सब, इन आयोजन में क्या कुछ हुआ जरा सा बताएंगे। आज के इस माननीय महापौर जी के मुख्य अतिथि में वार्ड क्रमांक 39 में बिजली की जो लगातार समस्या थी और जिस प्रकार से माननीय महापौर जी ने एक बीड़ा उठाया था कि संपूर्ण 67 वार्डों में बिजली, पानी और नाली की साफ सफाई जैसी बुनियादी समस्याओं से हर वार्ड के व्यक्ति को निजात दिलाना है, उसी के तहत वार्ड क्रमांक 39 में वाह विद्युतीकरण जो कि 12 लाख, 13 लाख और 9 लाख के लागत से कैलाश नगर, आज़ाद नगर और इंदिरा नगर में भूमि पूजन कार्यक्रम संपन्न हुआ है। और निश्चित रूप से वार्डवासियों की काफ़ी लंबे समय से समस्या रही है बिजली के लिए, और माननीय महापौर जी ने जैसा अपना, माननीय विधायक जी ने, माननीय मंत्री जी ने जो एक मार्गदर्शन दिया है संपूर्ण वार्डवासियों को, उसमें उसी के तहत आज ये भूमि पूजन कार्यक्रम संपन्न। मैं भी वार्ड क्रमांक 11 से पार्षद हूँ जो कि कोरबा से है, और नाम बताएंगे, दिनेश सोनी। और जिस प्रकार से हम लगातार पिछले तत्कालीन सरकार में हमने नगर निगम देखा है और लगातार जनता परेशान रहती थी, और वर्तमान के कार्यकाल में निश्चित रूप से 5 वर्षों में और किसी भी वार्ड में, किसी भी गली में ऐसी कोई समस्या नहीं बची है जिसका समाधान नहीं हुआ। माननीय महापौर जी ने, माननीय विधायक जी ने अपने एक स्वभाव बनाया, एक अपना समय रखा कि दलगत की भावना से हट करके मेरे को वार्ड के प्रत्येक व्यक्तियों की समस्याओं का निराकरण, और उसी के तहत हम वार्ड के प्रत्येक पार्षद, हम बिजली के लेकर हो, चाहे बुनियादी समस्याओं, नाली, सड़क, साफ सफाई को लेकर के, चाहे पेयजल की समस्या को लेकर के, जब भी हम गए माननीय महापौर जी ने तत्काल उस समस्या का निराकरण किया है। आप देखेंगे कोरबा में देवी दयाल सोनी जी, आप एक वार्ड पार्षद हैं, सजग वार्ड पार्षद रहे हैं, आपका कार्यकाल के दौरान कभी निगम द्वारा या कहीं महापौर द्वारा कुछ ऐसा लगा क्या कि कहीं कोताही बरती जा रही है? मैं वार्ड क्रमांक 34 से पार्षद देवी दयाल सोनी, लगभग बालको क्षेत्र से मैं इसलिए संतुष्ट हूँ कि वार्ड में जितने भी पिछले 5-10 सालों से विकास कार्य रुके हुए थे, क्योंकि मैंने पूर्व पार्षदों को देखा है विकास कार्य के लिए जूझते हुए नगर निगम में जाते थे, मटका फोड़ने से लेकर के विभिन्न समस्याओं के लिए धरना प्रदर्शन किया जाता था, लेकिन आज महापौर जी घर घर पे, गली गली पे जा कर भूमि पूजन और लोकार्पण कर रहे हैं। मतलब हमको ये कन्फर्म है, हमारे जितने भी पार्षद सब संतुष्ट हैं और पूरे विकास कार्य पूरे 67 वार्ड में सुचारू रूप से किया जा रहा है। श्रीमान, परिचय देते हुए आज के आयोजन के विषय में प्रकाश डालेंगे। मैं पंचराम आदित्य, वार्ड क्रमांक 39 में निवास करता हूँ। जी, मैं पंचराम आदित्य, वार्ड क्रमांक 39 का निवासी हूँ।
मैंने लगातार मंत्री महोदय जी से यहाँ के विद्युतीकरण के लिए रिक्वेस्ट किया था, महापौर से किया था। आज 30 साल 40 साल हो गए हम लोग यहाँ निवास करते थे, लाइट के अभाव में हम लोग बहुत परेशानी उठाता था, जिसके कारण आज हम लोग को लाइट की लाइट पूर्ति हो गई है। महापौर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आज हम लोग का 40 साल की मेहनत सफल हुई और हम लोग को विद्युतीकरण की हम यहाँ, और यहाँ की मीडिया प्रभारी को भी और हमारे साथ जो मीडिया हमारे साथ है जुड़े हुए हैं, जो हमारे हर समस्या को आगे लेकर जाते हैं, उनके माध्यम से भी हमारा साल होता है, किसी प्रकार की समस्या साल होता है, मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आयोजन के पश्चात महापौर श्रीमती रेणु अग्रवाल द्वारा नन्हे मुन्ने बच्चों को चॉकलेट बांटी गई। ब्यूरो रिपोर्ट, KSN 24 न्यूज़।